हमें अपनों ने लूटा गैरों में किया था अपना। हमारी भी थी हाँ वहां टू भी जहाँ पानी बहुत कम था। सही हमारी कह, पाकिस्तानी टीम जिस तरह क्रिकेट खेलने के लिए गई हुई है तो हम पहले ही उनकी इतनी हौसला अफजाई कर देते हैं ना। आप बेहतर समझते हैं कि वो बेचारे सोशल मीडिया का जवाब देंगे क्रिकेट खेलो, वो बेचारे भूल ही जाते हैं क्या करें क्या ना। इसलिए हमारा जो हजारा है ये बड़ा मशहूर है मेहमानबाजी के वाले से ना, आज से ज्यादा अच्छा मशहूर है कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं। देखते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी आपके? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उबैदुर रहमान बात कर रहे हैं शायद? जी जी यकीनन वही बात। कैसे हैं आप? ठीक है, देखें आवाज़ से हम पहचान लेते हैं, आवाज़ों के साथ जो ताल्लुक़ होता है ना, फिर वो ऐसा ताल्लुक़ होता है कि लोगों को हम पहचान लेते हैं। लोग अमन चेहरे, रहें खुश रहें, ये आपकी मोहब्बत है जी। लोग तो आजकल वो चेहरों से भी नहीं पहचानते, कहीं बाजार में मिल जाए तो कहेंगे, फिर इनको कुछ खिलाना पड़ जाएगा ना, लोग चुप हो जाते, चुप करके साइड पे निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे होता है अक्सर, लेकिन हमें खुशी होती है हमें कोई मिले तो। अक्सर ऐसे होता है रास्ते में जब जाते भी हैं तो कई लोग पहचानते होते हैं, हम उनको नहीं भी पहचानते, वो सलाम करते हैं तो हम जवाब खुश असलूबी के साथ देते हैं और खिदमत का पूछते हैं, कुछ मौका मिले तो सही। जरूर करते भी हैं। एबटाबाद से आपका ताल्लुक है? एबटाबाद में गया था 2000, मतलब एक बहुत पुरानी बातें हैं, 2002-03 की बातें, लेकिन जब मैंने वहाँ के अच्छा लोग देखे मुझे अच्छा लगे, मैं काफ़ी अर्सा वहाँ रहा भी। और ये है कि वहाँ पे जब लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं, अगर बुज़ुर्ग हैं तो उनके हाथ में कोई थैला मेला छापर जो भी चीज़ होती थी, तो जो यंग लड़के होते थे वो उठा के जल्दी से वो चीज़ें ऊपर तक ले जाते थे ना, मतलब उनके जो घर होते थे ऊपर पहाड़ी पे। जी जी बिल्कुल तो अभी क्या अभी भी वैसे ही माहौल है या ख़त्म हो गया है? तो आबादी भी काफी हद तक बढ़ चुकी है ना। अभी अच्छा बाबों के अपने साथ बैठे होते हैं, पोते होते हैं तो वो साथ लेकर चले जाते हैं तो जरूरत नहीं सही, पड़ती है। लेकिन वो एक अच्छा, मैंने बाकी जगहों पे भी देखा, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, मतलब ये पहाड़ी पे चढ़ना हो, सामान है, लकड़ी है या कोई भी चीज़ है, तो बुज़ुर्ग हैं तो उनको बस कोई भी हो, मतलब ये नहीं है कि हमारे रिलेटिव हो, किसी के रिलेटिव होगा तो उसकी वो हेल्प करेंगे, लेकिन ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखी थी और तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो शिमला पहाड़ी के नीचे वो जो पार्क है, पता नहीं जी जी उधर, बिल्कुल, वैसे भी हमारा जो हजारा है ये बड़ा मशहूर है मेहमान नवाजी के वाले से ना, आज से ज्यादा अच्छा मशहूर है कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं। ठीक है, सही। अच्छा आज का मौजू आपने सुना है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, इस पे क्या बात करेंगे? जी, यकीन करें इस चीज का फायदा कुछ भी नहीं होता। कई लोग सख्त उनकी जुबान होती है लेकिन मैं कहता हूँ वो अच्छे होते हैं, कम से कम सामने तो बात करते हैं ना, अपनी जुर्रत उनके हाँ अंदर होती है, अगला बंदा वक्ती तौर पर महसूस भी कर लेता है, लेकिन चले उसको पता होता है कि चले इसने खुलकर बात तो की है ना, लेकिन मुंह पर बंदा मीठे होकर बाकी पीछे से कुछ और करता रहे, मुनाफ्त करता रहे, तो मैं समझता हूँ कि इसका कुछ फायदा नहीं है, बल्कि ये मुनाफिक की एक निशानी भी है ना, वो सामने कुछ और करता है, जाहिर कुछ और होता है, बातन कुछ और होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बहुत लोग अब जैसे आपने कहा कि फ़ायदा लेने के लिए भी काम करते हैं ना, ऐसे आपके तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं, आपके मुंह पे अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो आपकी नज़र में वो लोग अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बाकी आप देखें ना वो एक मजाही शेर भी है कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में किया था अपना। हमारी भी थी हाँ वहां टू भी जहाँ पानी बहुत कम था। सही हमारी कह, पाकिस्तानी टीम जिस तरह क्रिकेट खेलने के लिए गई हुई है तो हम पहले ही उनकी इतनी हौसला अफजाई कर देते हैं ना। आप बेहतर समझते हैं कि वो बेचारे सोशल मीडिया का जवाब देंगे क्रिकेट खेलो, वो बेचारे भूल ही जाते हैं क्या करें क्या ना। सही है सही है। तो अपने जो होते हैं उनको चाहिए वो अपने लोगों को सपोर्ट करें, कुछ भी हो चाहे हैं तो अपनी अपनी इज्जत है ना। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ दिया, लेकिन ऐसा है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो इस चीज़ों का वो उनके नेचर में शामिल होता है, वो कहते हैं बस किसी को। बिल्कुल ऐसी है, और ये हर माशरे के ऐसा होते हैं, और अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि हर खानदान में कोई ना कोई एक दो बंदे ऐसे जरूर होते हैं कि जो इस तरह का काम सर अंजाम देने के लिए मौजूद होते हैं ना, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है, मतलब बुरी आदत है, इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती कि बंदा क्या ही अच्छा काम करता है। ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ बाकी दिया। आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा होता है, हम पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं कि आपका प्रोग्राम आएगा और इंशाल्लाह उसके ऐसा क्या बनेंगे। बात, क्या बात है जी, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया जी। आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं, प्रोग्राम के मौजूदात को भी पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी, ओके, थैंक यू। उबैदुर रहमान सुलेमानी हमारे साथ दे रहे थे एबटाबाद से, एबटाबाद हज़ारा से।